ये विश्व गुरु का दावा हो रहा है, इनको वोट दे रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों को निरक्षर बनाओ, इसके लिए वोट दे रहे हैं लोग। गुजरात में विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है पिछले 5 साल में डबल हुआ है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि आओ मुझे पीटो। अब हमसे कहो कि ईवीएम हैक करके दिखाओ तो मैं तो नहीं दिखा सकता, जिसकी बंदरी वही नचावे। ये इलेक्शन कमीशन को क्या दिलचस्पी है बार बार वो एक्सप्लेनेशन देने की, और बार बार ये क्या दिलचस्पी यार। तो ये तानाशाही इलेक्शन कमीशन की है, और वो भी सरकार के इशारे पे। कोई इनका आर्गूमेंट चल नहीं रहा है, न टाइम बच रहा है न पैसा बच रहा है। ये ईवीएम से आजादी का आंदोलन है, नहीं तो डेमोक्रेसी जो है आपका हाईजेक है। आपको आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मशीन से वोट ले लेगा, सरकार बना लेगा। एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है और आप जाके देख सकते हैं, सर्वे ऑफ एजुकेशन 2023, मोस्ट रूरल किड्स बिटवीन 14 to 18 कैन नॉट डू क्लास 3 मैथ्स, 25% कांट रीड, 56.7% टीन्स कुड नॉट डू सिंपल डिविजन। ये सर्वे है, ये पूरे सरकारी सर्वे ऑफ एजुकेशन 2023। ये विश्व गुरु का दावा हो रहा है और इसकी हालत है। क्या लोग इनको वोट दे रहे हैं कि आओ मेरे बच्चों को निरक्षर बनाओ, इसके लिए वोट दे रहे हैं लोग कि आओ हमारे रोजगार छीन लो, इसके लिए वोट दे रहे हैं। सारे आंकड़े आ रहे हैं। गुजरात में विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है पिछले 5 साल में डबल हुआ है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं कि आओ मुझे पीटो। सीधा और सीधा ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन खूब अपना काम कर रहा है। जैसे आप ईवीएम डाल के वीडियो डालते हैं, नीचे आ जाता है इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है भाई साहब। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अब हमसे कहो कि ईवीएम हैक करके दिखाओ तो मैं तो नहीं दिखा सकता, जिसकी बंदरी वही नचावे। अगर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अगर वो हिस्ट्री पढ़े होंगे या मैकेनिकल इंजीनियर नहीं होंगे, मोटर के इंजीनियर नहीं होंगे, और उनको ये कहें कि आप कार का इंजन खोल के उसको फिर से फिट कर दो, कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सवाल ये है कि सब जब इतनी आवाज़ें उठ रही, देश भर में आवाज़ें उठ रही कि भाई ईवीएम से नहीं, ईवीएम किसी भी फॉर्म में टेक्निकल चीज से कहीं भी कोई भी मैनिपुलेशन हो सकता है। फिर आप ईवीएम कर रहे हैं, वीवीपैट कर रहे हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम साहब 3 स्टेज समझा रहे थे कि भाई जो पोल डाला और तमाम तरह के मैं नहीं समझ पाता। तो जहां पर मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो देते थे, अब प्रमोशन हो गया शायद 81 या 83 करोड़ हो गए। जहाँ पे एजुकेशन की ये हालत है, जहाँ मैं बैठ के कह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल बातें नहीं समझ सकता, तो वहाँ पर जो 40% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, जहाँ पे लिटरेसी का रेट इतना ख़राब है, एजुकेशन के आंकड़े मैं ही बता रहा हूँ, वहाँ पे टिंटेड एकदम डार्क वाला आप लगा के मशीन में डार्क वाला लगा के कह रहे हो कि 7 सेकंड में अपना वोट चेक कर लो। ये भारत अगर सबसे बड़ी लोकशाही है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है। और मैं तो सीधा और सीधा, पहले इलेक्शन कमीशन ही संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था को संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। कि इलेक्शन कमीशन को क्या दिलचस्पी है बार बार वो एक्सप्लेनेशन देने की, और बार बार ये क्या दिलचस्पी आपकी। साथियों, सीधा और सीधा हेराफेरी है, और नहीं तो कोई दुनिया की कोई ऐसी सरकार इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती है, जहाँ पे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, सब परेशान है, और तभी कह रहा है 400 पार। तो इलेक्शन कमीशन की एक मर्यादा होती है, जब टीएन सेशन थे तो उस समय लगा कि इलेक्शन कमीशन कोई संस्था है, लेकिन आज तो ये लग रहा है कि सरकार के बिहाव पे इलेक्शन कमीशन खुद ही काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को ही चुनाव लड़ना है ऐसा लग रहा है। साथियों, किसी भी कीमत पर, और देश में जितने बहुत सारे जगह से फोन हमें सब लोगों को आ रहे हैं, ये एक्शन प्रोग्राम आपका इन्होंने बता ही दिया है कि जितने सारे लोग इसमें आना चाहते हैं, इस मोर्चे से जुड़ें। और उस ये मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अपनी स्वायत्तता भी रखें, अपने संगठन का झंडा बैनर लगाएं, जो यहां से एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया जा रहा है, जो गूगल फॉर्म और ज्ञापन, उसको अपने संगठन की ओर से भी भरें। ये दिस इज अ पीपल्स मूवमेंट, ये कोई कॉपीराइट लेके हम लोग नहीं बैठे हुए। इसी तरह रोस्टर की लड़ाई हम लोगों ने जीती थी, किसको लोगों का आंदोलन बनाया था,
ये सब आप ही का है, आप अपने अपने झंडा बैनर लगाओ कि साथियों इसलिए हर कीमत पर। भाई सिंपल आप 3-4 स्टेज बता रहे हो, सिंपल मुझे पन्ना दो, मुझे उसमें दिख जाए कि कहाँ साइकिल है, कहाँ हाथी है, कहाँ हाथ है, मुहर मारेंगे, डब्बे में डालेंगे। इतनी सिंपल प्रक्रिया को आप इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अब तो आपका कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे चलेगा नहीं। क्या होगी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कहाँ है? आप मान लो कि 30 दिसंबर को आप इलेक्शन कहीं एक वोट हुआ पहला चरण, और सातवां चरण हुआ 28 जनवरी को, और रिजल्ट ला रहे हैं 7 फरवरी को, तो कितना 37 दिन का प्रोसेस तो हो गया ना, 37 दिन का प्रोसेस हो गया। तो 37 दिन में आपका टाइम कहाँ बच रहा है? पहले तो हम लोग बचपन में देखते थे बैलेट पेपर से होता था, और पूरे स्कूल के कैंपस में ग्राउंड में टेंट लगता था, और दो दिन में पूरी काउंटिंग हो जाती थी, दो दिन में हो जाती थी। ये कौन सा एफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको टाइम और मल्टीप्लाई कर रहा है? आप कहोगे कि भाई बूथ कैप्चरिंग होता था, तो जो बूथ कैप्चर करते थे वो ईवीएम कैप्चर कर रहे हैं, ईवीएम कैप्चरिंग भी हो रही है, टेम्परिंग भी हो रही है, कैप्चरिंग भी हो रही है। भाई 77 में या 80 में या 85 में इतना टेक्नोलॉजी एफिशिएंट नहीं था ना, इतना हाई टेक वेपन नहीं था, सर्विलांस नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था। अब आपको एक ही दिन में दो चरण में पूरे देश में चुनाव हो सकता है, दो चरण में इतने फोर्सेस हैं, पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दो चरण में हो सकता है, एक हफ्ता के अंदर रिजल्ट भी आ सकता है, एक हफ्ता के अंदर। और दूसरी बात, लोकशाही में सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है। जब सिटीजन को, जब लोगों को चुनाव का रिजल्ट लाने की हड़बड़ी नहीं है कि हमें आज ही चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को इतना हड़बड़ी क्यों है? जब हम कह रहे कि ठीक है 10 दिन बाद ही आएगा, लेकिन अच्छे से काउंट कर लो जी। तो लोगों ने कहीं मेमोरेंडम दिया है कि हम लोग को हड़बड़ी है कि आज काउंट करके बताओ? तो ये तानाशाही इलेक्शन कमीशन की है, और वो भी सरकार के इशारे पर, सरकार के इशारे पे। कोई इनका आर्गुमेंट चल नहीं रहा है, न टाइम बच रहा है, न पैसा बच रहा है। इतने मशीन पर मशीन बने जा रहे हैं, और लाखों इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 543 नहीं, हजारों की संख्या में इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स मेक इट अ पीपल्स मूवमेंट। ईवीएम का विरोध हर मोर्चे पर होगा, अभी कार्यक्रम सब लगा है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में डालें और चुनावी मुद्दा इसको बनाएं। ये जन आंदोलन है, ये आज़ादी के बाद ये दूसरा आज़ादी, ये ईवीएम से आज़ादी का आंदोलन है। नहीं तो डेमोक्रेसी जो है आपका हाईजैक है, आपको आपकी वोट की जरूरत नहीं है, मशीन से वोट ले लेगा, सरकार बना लेगा, आप जनता की कुटाई भी करेगा। इसलिए अपने हक हकूक, जिस ड्रीम के साथ डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, जवाहरलाल नेहरू, तमाम ऐसे लोग ने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना की थी, उसको जिंदा रखने के लिए हमें आंदोलन लड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये भी याद दिलवा दूं कि इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उस समय भी जब संविधान सभा बनी थी, जब संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय भी इन्होंने कहा था कि संविधान को हम नहीं मानते और मनुस्मृति हमारा संविधान है। वही लोग आज हुकूमत में हैं, वही लोग हुकूमत में हैं। पेगासस कहाँ गया? तो इसलिए दुनिया में जब सारी संस्थाएं तानाशाह हो जाए, पंगु हो जाए, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना शुरुआत जो है ना अल्लाह अकबर से, जय श्री राम से नहीं किया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो समझिए कि आपकी हकमारी हो रही है, आपके सारे राइट्स जा रहे हैं, तो हम भारत के लोग आओ संवैधानिक तरीके से सड़क पे लड़ेंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।